नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज। पीटीएम स्पष्ट खड़ी हुई है लाखों नगर चंदला मार्ग में, चंदला मार्ग के पास ग्राम मरा के पास। आप ये देख सकते हैं पीछे पेट्रोल पंप बना हुआ है। इस पेट्रोल पंप पर आज प्रशासनिक टीम अपनी धमाचौकड़ी मचा रही। धमाचौकड़ी ऐसे नहीं मचा रही, बल्कि इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर गरीबों के हित पर डाका डालने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। ये गरीबों के हित के विरुद्ध डाका डालने की कैसी कार्यवाही, आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं आप, ये पेट्रोल पंप शिव रतन अनुरागी का बताया जा रहा है। और शिव रतन अनुरागी भी स्टार चिटफंड कंपनी के एक डायरेक्टर के रूप में गिने जा रहे हैं, माना जा रहा है उन्हें। और उनके द्वारा जो गरीबों की चिटफंड कंपनी के नाम पर घोटाला किया गया था, उनका पैसा हड़पा गया था, उसके विरुद्ध आज शासन के निर्देशानुसार, कलेक्टर छतरपुर के निर्देशानुसार यहाँ पर पेट्रोल पंप को सील किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। हम आपको बता दें कि ये पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हैं, ये लौकुश नगर चंदला मार्ग पर पेट्रोल पंप बना हुआ है। और यहाँ पर आज छतरपुर से आई नापतौल विभाग की टीम और लौकुश नगर के खाद्य आपूर्ति अधिकारी भी हैं, और SDM लौकुश नगर, तहसीलदार लौकुश नगर के साथ साथ पुलिस प्रशासन और नगरीय प्रशासन का महकमा भी मौजूद है। हम आपको बताना चाहते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्चे लगा दिए गए हैं, और उन पर्चों में स्पष्ट लिख दिया गया है कि यह पेट्रोल पंप पूरी तरह से सील किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं इस संपूर्ण कार्यवाही में लौकुश नगर तहसीलदार अशोक अवस्थी जी से। ये उद्देश्य की जा रही है सर, ये जो कार्यवाही की जा रही है किस उद्देश्य से की जा रही है, और इसके क्या क्या उद्देश्य है, और क्यों कार्यवाही की जा रही है? चिट फंड कंपनी बी स्टार के नाम से तीन लोगों ने, शिवरतन अनुरागी, छोटे लाल पाल एवं विनोद पाल ने निवेशकों का पैसा जमा कराया और वापस नहीं किया। इस कारण से SP सर छतरपुर की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर महोदय छतरपुर ने कुर्की की कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए हैं, जिसके आधार पर SDM सर लौकुश नगर के निर्देशन में आज पुलिस, खाद्य विभाग, राजस्व, ग्राम पंचायत, नापतौल निरीक्षक और नगर परिषद की टीम, संयुक्त टीम द्वारा उस पेट्रोल पंप एवं मकान की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये क्या इनका मकान भी सील किया जा रहा है, क्या इनकी कृषि भूमि भी सील की जा रही है, इस संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है? उदयपुर ग्राम गौरेहार तहसील, नगरौली ग्राम चंद्रा तहसील की भूमि के ऊपर करने के आदेश हो चुके हैं, वो भी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इनका पत्नी के नाम जो मकान है उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जितनी भी इनकी संपत्तियां, अन्य संपत्तियां भी है, एक बुलेरो जीप है, एक बंदूक का है इत्यादि, सभी को इस आदेशानुसार कलेक्टर महोदय द्वारा कुर्क करने के आदेश कर दिए गए हैं। इनकी कार्यवाही मौके पर की जा रही है। एक सर सवाल था जो पब्लिक जानना चाहती है, खासतौर पर वो निवेशक भी जानना चाहते हैं कि ये जो कुर्की की कार्यवाही की जा रही है, क्या इससे अब एक आशा जगह है वो निवेशक कर सकते हैं कि उनका पैसा अब उनको मिल सकता है? इन लोगों की जो भी संपत्ति कुर्क की गई है, इसकी शीघ्र अनुमोदन लेने के पश्चात नीलामी करके उन निवेशकों को पैसा दिलाने की कार्रवाई बहुत शीघ्र की जाएगी। देखिए, आपके सामने हम ये खबर बता रहे हैं, बहुत ही एक अच्छी खबर कहेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने भी स्टार चिट फंड कंपनी में अपना पैसा लगाया था और उनको पैसा दुगना करने का जो लालच दिया गया था, उनके लिए अब एक खुशखबरी है कि उनका जो पैसा लगा था वो उनको मिलने की एक आशा जग रही है। और जो इसके आरोपी थे उसमें से एक आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और अब प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है कि उनकी जो संपत्ति थी उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि अभी तहसीलदार अशोक अवस्थी लौकुश नगर तहसीलदार ने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि आज उनका ये पेट्रोल पंप सील किया जा रहा है और उनके मकान को भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। उनकी जो चल संपत्ति थी, बोलेरो जीप, उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है, और उनके जो मकान है उनको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है, और कृषि भूमि जो उनकी थी उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय के आदेश अनुसार लौकुश नगर क्षेत्र में पूर्व में संचालित चिटफंड कंपनी वी स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालकों के विरुद्ध आदेश पारित कर उनकी चलाचल संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश प्राप्त किए हैं। आदेश पालन में आज तहसीलदार महोदय लौकुश नगर, फूड विभाग, नापतौल विभाग, नगर परिषद लौकुश नगर एवं पुलिस विभाग के सहयोग से
बी स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालकों की चलाचल संपत्ति कुर्क करने के निर्देश पालन में पेट्रोल पंप की पूर्ति की जा रही है। इसके उपरांत उनकी अन्य संपत्ति भी कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।